हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आप सभी ने हमें काफ़ी रिप्लाई दिया था, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप सभी से मैंने राय जानी थी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसी वीडियो डालनी चाहिए। तो आप ज़्यादातर दोस्तों ने ये कहा कि दिन में दो वीडियो डालनी चाहिए, एक सुबह डालनी चाहिए, एक इवनिंग को डालनी चाहिए। तो वही हमारा आज से प्रयास रहेगा कि हम दिन में दो वीडियो डालें। और दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा है कि ओल्ड पेपर में से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी कि जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें भी 18 से 20 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और अपना जो मेन एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2018 का, उसमें भी 18 क्वेश्चन डिटो कॉपी रिपीट हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब से हम जो इवनिंग की जो वीडियो डाला करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, यानी कि हम प्रैक्टिस किया करेंगे। सुबह हम जो वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हर क्वेश्चन की, उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और जो इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कितना पानी में है, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता। और दोस्तों, हमारा इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है, हमारा टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। हमारा जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे कि मान के चलो सुबह हमने वीडियो डाली रिसर्च की डाली, ठीक है, और शाम को हम इवनिंग को जो स्टडी करेंगे वो दूसरे सब्जेक्ट की करेंगे, यानी कि सुबह हमने डाली रिसर्च की और शाम को हम इवनिंग को हम जो स्टडी करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड की करेंगे या आईसीटी की करेंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक दिन में अपने दो दो सब्जेक्ट, दो दो टॉपिक हमारे साथ के साथ चलते रहेंगे, जिससे ना ही तो हम बोर होंगे और हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो से। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आईसीटी से है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, और ये टेस्ट होगा दोस्तों। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को कितना कुछ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो स्पेशली क्वेश्चन हैं वो हमारे मेमोरी से रिलेटेड है, जैसे KB, MB, GB, TB, इससे जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि 1 GB यानी कि 1 GB किसके इक्वल टू होता है। वो हमें इसमें से जो ऑप्शन दिए इसमें से हमें आंसर निकालना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को रोक के भी अपना आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे लिए यानी कि रोक के रखना वीडियो को, फिर काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाएगी, तो आप अपने हिसाब से इस वीडियो को रोक सकते हैं और इसमें से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में करीब 7 क्वेश्चन हैं, और 7 क्वेश्चन में देखते हैं कि जिसके मान लो 70% क्वेश्चन ठीक हो गए, यानी कि अगर हम मान के चले 5 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर किसी के कम क्वेश्चन ठीक होते तो भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, वैसे हम सभी को इसका आंसर पता है। ये देखिए, 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दोस्तों, ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि हमें आते हैं या नहीं आते। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस तरह का क्वेश्चन है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि एक कंप्यूटर में 1 byte में सामान्यतः शामिल होते हैं, यानी कि 1 byte जो होता है, byte में क्या होता है, 4 bit होते हैं, 8 bit होते हैं, 16 bit होते हैं, 10 bit होते हैं, कितने bit होते हैं, ये हमें आंसर देना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और वही बात, आप वीडियो रोक के आसानी से इसका आंसर भी सोच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। वैसे हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर, यानी कि 8 bit इसका आंसर होगा। ये देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 8 bit, 1 byte में कितने होते हैं, 8 bit, और जो 4 bit होता है दोस्तों वो किसके इक्वल टू होता है, 1 nibble के इक्वल टू होता है। दोस्तों, ये जो अपनी मेमोरी है, मेमोरी से रिलेटेड मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, जो मैंने निमीजी नेट पे डाल रखे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा।
अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि 1 GB प्रदत्त भंडारण के 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर है, तो 1024 TB प्रदत्त भंडारण के बाइट के बराबर है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर 1 GB 2 की पावर 30 के बराबर है तो 1024 TB किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली जो हमें चीज़ सोचनी है, ये देखना कि 1024 TB किसके इक्वल टू होता है। दोस्तों 1024 TB जो होता है वो हमारा 1 PB के इक्वल टू होता है, ठीक है। ये बात हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा इससे जो ये निकल के एक है, 1 PB हो गया, PB हो गया, ठीक है। अब हमें देखना कि 1 PB इसमें से, इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसके इक्वल टू होगा। दोस्तों इसमें जो UGC ने जो आंसर दिया है वो बी आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो आप सोचिए, इसका आंसर क्या होगा आपके अनुसार, इसका आंसर क्या होगा वो हमें बताइए, और मैं भी आपको बताऊंगा क्या आंसर होगा। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका पहले आंसर दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर है दोस्तों 2 की पावर 50, यानी कि 2 की पावर 50 होगा आंसर, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नोट्स बना रखे हैं मेमोरी से रिलेटेड, तो यहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि 1024 TB की जो बात चल रही थी हमारी, उसके अंदर ये देखिए 1024 TB ये रहा अपना, ये किसके इक्वल टू होता है, ये देखो दोस्तों पेटाबाइट के इक्वल टू होता है, ठीक है। पहली बात हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि 1 PB किसके इक्वल टू होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये हमारा आ गया इसमें, ये देखिए 1 PB ये रहा PB, ये किसके इक्वल टू होता है, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 के इक्वल टू होता है। और ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल टू होता है, 1024 TB के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि 1024 TB का आंसर क्या आएगा। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स लेना है तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बाइट, बिट, किलोबाइट, MB सभी के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इसमें आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने डेटा स्टोरेज यूनिट दी है और इसमें से हमें ये बताना कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इन सभी आंसर में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इनमें देखें तो कुछ कुछ मिलता जुलता सा है और ये हमें कन्फ्यूज कर सकता है। तो आप एक बार सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। और दोस्तों जिसे भी इन क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखे, ताकि हमें भी पता चले कि किस दोस्त के कितने आंसर ठीक हैं और हमें कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप सभी अपना अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों, इसके अंदर पहले आएगा बिट्स आएगा, फिर बाइट्स आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, और फिर आएगा डेटाबेस आएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर ये होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं और का आपको आंसर देना है। अब इसमें बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब कैरेक्टर्स के बराबर है, ठीक है, इसमें हमें आंसर बताना है। तो ये आप सोचिए और इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है और जो मैंने नोट्स आपको दिखाए थे निमिजी नेट पे, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आंसर देख सकते हैं। और इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा गीगाबाइट। 1 अरब कैरेक्टर जो किसके इक्वल टू होता है, गीगाबाइट के इक्वल टू होता है, ये भी शायद दोस्तों को पता होगा। चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा अभी आया था, जुलाई 2018 में आया था। तो
तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इसे हमें इसमें क्रम वाइज लगाना है कि सबसे पहले छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा क्या है, और फिर उससे बड़ा क्या है। तो आप सोचिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इसमें से अरेंज करके देखिए कि कौन सा आंसर इसमें से होगा। और दोस्तों वही बात है कि आप वीडियो को रोक सकते हैं और बड़ी तसल्ली से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके अंदर एफ यानी कि हम देखें कि सबसे पहले क्या आएगा, बिट आएगा। सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है, उसके बाद जो होती है बाइट होती है, और उसके बाद जो होती है किलोबाइट होती है, और उसके बाद जो होता है मेगाबाइट होता है, और उसके बाद जो हमारा होता है गीगाबाइट होता है, और फिर क्या होता है टेराबाइट होता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, इसके अंदर इन्होंने स्पीड के बारे में पूछा हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले जो उच्चतम गति की स्पीड है वो बतानी है, और फिर न्यूनतम बताना है। तो इसमें आप सोचिए, देखिए इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है इसका, और फिर आप इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका होगा सीपीयू स्टोरेज, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा अपना, सीपीयू आएगा रजिस्टर, फिर कैचे मेमोरी आएगा, फिर मेन मेमोरी आएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगा। दोस्तों ये चीज़, ये जो ऑप्शन है हमें ध्यान में रखने हैं, बड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, घुमा फिरा के ये पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आप सभी हमें बताना कि किस दोस्त के किसके आंसर ठीक है, और आपको किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई। और ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर क्या क्या है, आईसीटी का जो नोट्स है इसके अंदर देखिए, बिट्स वगैरह के बारे में दिया है, बाइट्स यानी कि जितनी भी अपनी मेमोरी है उनके बारे में दिया है यहाँ पे, और सभी तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आप ये PDF ज़रूर ले लीजिएगा, इस PDF की कोई कॉस्ट नहीं है, और इस PDF का जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।